ये देखो, ये देखो, और एक पापा की पड़ी, नहीं ये पापा की पड़ी नहीं, पापा की बेटी, पापा की मम्मी है। क्या बात है, अगर एक बार गिर गया ना, राइट में इंडिकेटर ऑन है, लेफ्ट में जा रहा है क्या? गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज, फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ आए हैं। यहाँ पे देखो, पहले चुतिया मिल गया, इतना तेज स्पीड से ओवरटेक किया है। माय गॉड, आउटस्टैंडिंग था। क्या आउटस्टैंडिंग बोल रहा हूँ। सो गाइज, आज हम जाने वाले हैं बागेश्वरी। सो वहीं पे हम दोस्त के साथ मिलने के लिए जा रहे थे। एक्चुअली दोस्त घर पे नहीं है, मैं मुझे पहले जाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आएगा। लगभग 10 डेज चला गया भाई। उसके बाद मेरे पास और 2 वीडियो भी है, लेकिन एडिट करने का टाइम भी नहीं मिल रहा है, उतना मतलब काम पे बिजी हो गया अभी। सो गाइस, आज तो गाड़ी पूरा ठीक है। एक्चुअली मैंने गाड़ी पे न्यू चेन पॉकेट लगाया, तभी अभी फिक्स हो गया। अभी हम गाड़ी पकाएंगे गाइस, अब हाईवे में चलाना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे हमें, यहाँ पे 17 मिनट दिख रहा है गूगल मैप में, हम जाते पहले, जाने के बाद देखते क्या होता है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो, 47 सेकंड के लिए लगा दिया यहाँ पे सिग्नल। मुझे एक्चुअली एक माइक लेना चाहिए था। एक्चुअली मैं रियलमी के हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ, उसमें नॉइज़ कुछ ज़्यादा आता है। मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा था, जब भी गाड़ी में 100 के ऊपर लेके जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता है। ये भी रोड में जाम है, हम जब तक फ्लाईओवर के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक हम गाड़ी स्पीड में चला नहीं पाएंगे। एक्चुअली गाइस क्या हुआ, इधर बहुत ज़्यादा जाम रहता है, हमेशा हमेशा जाम रहता है सबसे ज़्यादा। यहाँ पे एक बिल्डिंग बन गया, ओह माय गॉड। इस बिल्डिंग को मैंने लगभग 1 महीने पहले यहाँ पे आया था, 1 महीने की बात आ रहा हूँ भाई। तो 1 महीने पहले यहाँ पे एक बिल्डिंग में देखा था मैंने, काम कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो अब देख, तो अभी यहाँ पे पूरा काम चल गया, काम हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो ऊपर वाला बिल्डिंग, ओ माय गॉड, भगाते हैं क्या, भगाने की बात कर रहे हो। यहाँ पे जाम देख सकते हो, कितना ज़्यादा जाम है भाई। मुझे लग रहा है कि मैं कोई सिटी के अंदर जा रहा हूँ, जो सिटी के अंदर जो रोड रहता है ना, उसी में जा रहा हूँ। सामने है फ्लाईओवर, क्या फ्लाईओवर के ऊपर से स्पीड में गाड़ी चलाओगे। यहाँ पे देख सकते हो ज़्यादातर गाड़ी फ्लाईओवर के ऊपर से ही जा रहा है, नीचे से कोई भी नहीं जा रहा है, क्या भी नहीं। नीचे से एक बंदे को देखा मैंने, बहुत स्पीड में चला रहा है, देखता हूँ उसको, ओवरटेक करता हूँ। उसको देखो गाइस, साइड भी नहीं दे रहा है और गाड़ी भी स्लो नहीं कर रहा है। तो हम स्पीड में गाड़ी चलाते, देखते हैं कैसा चलता है। एक्चुअली मेरा टारगेट है वो सामने वाले को ओवरटेक करना है, साला बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा है, चला गया, बहुत दूर चला गया गाड़ी भाई, पूरा स्मूथ चल रहा है आज। ओ माय गॉड, क्या गाड़ी स्पीड में चलाओगे, बोल तो दिए गाड़ी स्पीड में। यहाँ पे देखो सामने ट्रैफिक है, उस अंकल को क्या हुआ, कोई एक्सीडेंट हो गया क्या, टायर पंचर हो गया अंकल का। सो गाइस, यहाँ पे हम हाईवे पे आ गए, 1-2-3 लेन हाईवे। सो हम स्पीड का बात करते हो तो ट्रैफिक आ जाता है, जाम आ जाता है, या किसी का टायर पंचर हो गया, मतलब दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है। तो फिर भी हम ट्राई करेंगे, लेकिन गाड़ी यहाँ चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। एक्चुअली क्या हुआ, हमारा क्लास का प्रॉब्लम था, वो भी सॉल्व कर दिया, सभी काम हो गया गाड़ी का, अभी गाड़ी स्पीड में चलना चाहिए। ये देखो इस चुतिया लोग यहाँ पे भी है, सारे ने बीच में से इंडिकेटर से राइट ले लिया, मतलब सडनली इंडिकेटर दिया और आ गया। इससे अगर मैं पीछे से स्पीड में आता तो क्या होता, ओह माय गॉड। यहाँ पे कुछ, ओह माय गॉड, रोड देखो गाइस, बहुत ही बढ़िया रोड है। रोड से क्या होगा भाई, जाम उतना ज़्यादा है कि हम गाड़ी स्पीड में भी चला नहीं पाएंगे। सो गाइस, तो सबसे पहले मैं यही बात करना चाहता हूँ आप सभी को, मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जल्दी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है। 1 साल लग जाएगा 1K कंप्लीट करने में, वॉच टाइम तो छोड़ो इसको, लेकिन
आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि 4 महीने के अंदर कंप्लीट कर लिया, 900 के ऊपर चला गया। सो गाइस, इसलिए आप सभी को दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा। और गाइस, अभी हम जाएंगे, इंडिकेटर ऑन है, ये इंडिकेटर ऑन है, ये राइट नहीं जाएगा, पक्का नहीं जाएगा, ये लेफ्ट जाएगा सीधा। ये देखो, राइट में इंडिकेटर ऑन है, लेफ्ट में जा रहा है गाइस। यही हमारा इंडिया का जो ड्राइविंग है ना, बहुत ही ज़्यादा है कि ये साले ने लाइसेंस भी नहीं है। अगर लाइसेंस है तो इसने पैसा दे के घूस खिला के इसके किया है। अभी भी इंडिकेटर ऑन है, देख सकते हो, अभी भी इंडिकेटर ऑन है यहाँ पे। सो इंडिकेटर राइट में ही ऑन रहेगा, ये कम से कम 20 किलोमीटर के बाद उसको याद आएगा, ओह माय गॉड मेरा तो इंडिकेटर ऑन है, ऐसा ही है। भाई आउटस्टैंडिंग था ड्राइवर, क्या क्या ड्राइवर है भाई, ओह माय गॉड। चिल्ले इसके मत के ऊपर आ गया। यही तो, मैंने बेंगलुरु पे बहुत ही कम जगह पे मैंने इंडिया का फ्लैग देखा है। तो यहाँ पे एक फ्लैग देख रहा हूँ मैं, बहुत ही खुश है क्योंकि उन लोगों ने अपना ही फ्लैग ले घूमता है। मैंने एक दिन देखा कि 26 जनवरी को सभी ने इंडिया की फ्लैग लगाया, लेकिन बंदे ने बेंगलुरु का फ्लैग लेके घूम रहा है, क्या बोलना भाई। यहाँ पे ये देखो, राइट छोड़ दिया, लेकिन ये लेफ्ट वाला भी छोड़ा है कि नहीं पता नहीं, आई थिंक छोड़ दिया लेफ्ट, हाँ लेफ्ट छोड़ दिया। तो हम लेफ्ट में जा सकते हैं, इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे पुलिस वाला बैठते हैं। ये देखो, हेलमेट नहीं है, पापा की परी, राइट का इंडिकेटर ठीक है, लेकिन गाइस जो मज़ा आया है ना, अलग ही किस्म का मज़ा आया। जो ड्राइवर बहुत बहुत हैवी ड्राइवर है हमारे इंडिया पे, जो राइट में इंडिकेटर देके लेफ्ट में जा रहा है, वो ज़्यादातर लड़कियाँ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हाँ भाई लड़का भी करने लगा हुआ है, ये बहुत सारा ऐसा होता है। अगर आपने राइट वाला इंडिकेटर देख के अगर लेफ्ट में चला गया ना, तो भाई पक्का एक्सीडेंट होगा, क्योंकि वो राइट में इंडिकेटर ऑन रहता ही है, ऑटोमेटिक रहता है उनका, कब ऑन किया उसको पता भी नहीं। अभी ये देखो इसका लेफ्ट में इंडिकेटर अभी भी ऑन है, जल रहा है इंडिकेटर, जलेगा वो भी बेंगलुरु पे, बेंगलुरु सिटी पे। गाँव पे हुआ तो ठीक है, अच्छा ठीक है चल गया, लेकिन यहाँ पे ये एक्सपेक्ट नहीं है गाइस, इस तरह होगा। सो ये इंडिकेटर का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा मिलेगा आपको, बहुत ही ज़्यादा, ज़्यादातर ही प्रॉब्लम। ओ भाई मैं बात कर रहा हूँ दूसरे का, मेरा इंडिकेटर ऑन था। सो इसको देखो, ये इंडिकेटर भी ऑन नहीं कर रहा है, इतना टाइम से मैं बात कर रहा हूँ दूसरे इंडिकेटर का, लेकिन मेरा इंडिकेटर कब से ऑन है, लेफ्ट में या राइट में चल रहा है मुझे पता भी नहीं। ये देखो, मैं भी एक क्या ड्राइवर हूँ, क्या बोलूँ मैं, दूसरे के बारे में बोल रहा हूँ, मेरा टिक नहीं है, मैं दूसरे के बारे में बोल रहा हूँ। कुछ बिल्डिंग कम है एक्चुअली, यहाँ पे कुछ विलेज टाइप का है एरिया, लेकिन हाँ ठीक है, बहुत ही खूबसूरत, मज़ा लगा, मज़ा आया। ये देखो गाइस, बेंगलुरु का फ्लैग हर जगह पे मिलेगा, ठीक लगाना चाहिए ठीक है, लेकिन बट इंडिया का भी फ्लैग लगाना चाहिए, ये बहुत ही बुरी बात मुझे लगा यहाँ पे बेंगलुरु पे। अगर 10 फ्लैग लगा हुआ है पूरा बेंगलुरु पे, उसमें से 8 फ्लैग बेंगलुरु का मिलेगा और बाकी 2 फ्लैग मिलेगा इंडिया का। सो ऐसा ही है, लगाना चाहिए था कि। सो गाइस, यहाँ पे है हमारा अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड से हम सीधा ऊपर जाएंगे, आ गए हम ऊपर, आपको हेलमेट नहीं मिलेगा यहाँ से। यहाँ देखो गांव, विलेज आ गए हम, ओह माय गॉड। आज चलो किसी कॉलेज, यहाँ पे देख सकते हो भाई पूरा विलेज एरिया पे आ गए हम। किधर किधर मेरा दोस्त रहते हैं जो ज़्यादातर गांव में रहते, इधर क्या काम करते हैं आई डोंट नो, बट ये देखो भाई हेलमेट, ठीक है भाई, पेट्रोल पम्प भी मिल गया, ओ माय गॉड। सो आज मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आप सभी को, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो उसके लिए हमें और आगे जाना पड़ेगा, लेकिन जगह बहुत, ओ माय गॉड, ये स्कूल है ये वाला, ओ स्कूल का स्टूडेंट यहाँ पे है।
ये देखो और एक पापा की पूरी, नहीं ये पापा की पूरी नहीं, पापा की बेटी, पापा की मम्मी है। क्या बात है, अगर एक बार गिर गया ना शेर किधर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इधर हेलमेट नहीं मिलेगा, धार को देख सकते हो बहुत ही अच्छे से डिजाइन की। ओह माय गॉड, हम तो ज़्यादा आगे चले गए गाइस। ओ भाई, यहाँ पे देख सकते हो अपना जो नेचर है ना, नेचर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है गाइस। यहाँ पे देख लो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्मॉल स्मॉल चिपड़ी लगा हुआ है। ठीक है, हाँ लेते गए। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।